हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में देखो, हम फिर से निकल गए हैं फोटोग्राफी करने के लिए, वो भी नेचर एंड वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी होगी। तो अभी क्या है ना कि देखो, मैं आ गया हूँ शूट पे, और जो शूट की लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने लोकेशन देख ली, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैं गियर्स यूज़ करता हूँ फोटोग्राफी में। तो चलते हैं अभी और दिखाता हूँ आपको कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ एंड ट्राइपॉड वगैरह। तो चलते हैं। सो गियर्स एंड तो देखते हैं अभी। तो हाल फिलहाल में देखो, अभी मेरे पास है ये निकॉन का D7000 एंड ये इसका ट्राईपोर्ट का बॉल हेड है, एंड ये बैग है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अभी। तो गाइस अभी देखो, मैं शूट की जो है वो शुरुआत कर रहा हूँ, और अभी क्या है ना कि जो जितने भी मैं क्लिप वगैरह जो कैप्चर करूँगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, एंड फाइनल रिजल्ट तो वीडियो के एंड में होगा, तो आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि भाई मैंने जो है वो कैसे कैसे शूट किया एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ का जो है वो शॉट मिल लिया ना, वो मैंने कैप्चर कर लिया है। तो अभी क्या है ना कि हम देखो इस रास्ते से निकल रहे हैं, अभी क्या है ना कि इधर से एंटर हुए और एग्ज़िट, तो यहाँ पे क्या है ना कि थोड़े बहुत जो है वो शॉट ले लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ का जो लाइटिंग वगैरह वो बढ़िया सी आ रही है। सो बाय बाय लोकेशन, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो क्या है ना कि यहाँ पे जो है वो, और यार देखो गाइस यहाँ पे हिरन भी हैं, आपको शायद दिखाई दे रहे हैं फिर ना दे रहे हैं, बट मैं आपको दिखा के रहूँगा। सो अभी चलते हैं। देखो ये जो आसपास के पेड़ दिख रहे हैं ना वहाँ पे, तो गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी लोकेशन पे। और क्या है ना कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह के आई थिंक बज गए 9:30 या 10 के आसपास, टाइम मैंने नहीं देखा है, बट यहाँ ताल छापर की फेमस जो तलाई है वो है। तो ये देखो 3 या 5 या 6 होनी चाहिए तलाई बोलते हैं गाइस इसको। तो फर्स्ट नंबर पे ये पक्की तलाई बोलते हैं इसको, एंड दूसरी पे मैं आपको लेके चलता हूँ जो कि मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल में। तो सेकंड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखो ये। तो ये अभी क्या है ना कि एकदम सूखी पड़ी है, इसके अंदर जो वो बोलते हैं ना पानी वगैरह वो नहीं है, देखो गहरी भी है। तो इसमें तो क्या है ना कि 1-2 शॉट निकल जाएंगे हमारे, तो बस क्या है ना कि बढ़िया बढ़िया से जो। तो मैं आपको ये भी जो है वो दिखा देता हूँ। देखो गाइस ये क्या चीज़ है आप ज़रूर बताना, मैं जूम कर देता हूँ एक बार। ये किसी जानवर को इस पेड़ पे लटकाया गया, पता नहीं किसी ने लटकाया है, बट खैर कोई नहीं, लोगों का कुछ कह नहीं सकते। तो ये है जो कि अभी क्या है ना कि यार सूखी है, तो इसमें क्या है ना कि इतना शूट करने का मन नहीं कर।
तो आपने जो सेकंड लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दी है, और अभी हम चलते हैं थर्ड लोकेशन पे, जो कि है हाल फिलहाल में देखो ऐसी ही है वो भी, बट उसके अंदर जो पेड़ वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो भी मैं आपको विज़िट करा देता हूँ। वो भी थोड़ी दूर ही है, तो अभी क्या ना कि पसीना आ रखा है बहुत ज़्यादा यार, बहुत गर्मी पड़ रही है। जो चूरू डिस्ट्रिक्ट का है ना वो टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि क्या बताएं। तो अभी हम चल रहे हैं थर्ड लोकेशन पे, तो वहाँ पे जाके मैं आपसे फिर से मिलूँगा। अभी हम पहुंच चुके हैं तो तीसरे लोकेशन पे, और क्या है कि यहाँ पे छाया वगैरह थोड़ी ठीक है, तो थोड़ी सी देर थोड़े टाइम के लिए क्या है कि हम रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं लगभग लगभग 2 किलोमीटर के आसपास जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। तो अभी क्या है ना कि देखो ये जो मैं अभी जिस जगह पर हूँ ना, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि ये जो राजस्थान में बोलते हैं ना कि कोयरे सांडा एंड जो जर्मी जो जानवर होते हैं ना वो इसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपको क्या है ना कि थोड़ा बहुत जो वो ग्राउंड है वो दे देता हूँ। तो गाइज अभी मैं आपको 3 से 4 पेड़ दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर क्या है ना कि बोला जाता है कि यहाँ पे गोयरों का घर, तो देखते हैं अभी। तो इसके अंदर एंड इसके, और देखो काफ़ी सारे ये बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो इसके अंदर क्या है ना कि गोयरे बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी जो आप ये सूखी जो तलाई है ना वो देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर है ना बारिश के टाइम बाहर तक पानी रहता है, और इतनी गहरी होती है ये। तो मैं आपको है ना जब बारिश होगी ना हमारे यहाँ पर, तब आपको यही सेम व्यू है ना वो मैं आपको दिखाऊँगा। और मैं आपको एक दो चीज़ें दिखानी भूल गया, वो ये है, तो ये जो आप ये कुआं देख रहे हैं ना, तो ये भी देखो अभी आई थिंक आधा हो रखा है, और ये इस पे क्या है ना कि दोनों तरफ पानी रहता है ना, फिर क्या है ना कि चलने का मज़ा ही अलग है, बट कोई नहीं हम ऐसे ही चल लेते सूखे में, क्योंकि बारिश होने में अभी 2 से 3 महीने हैं, तो हमने इसका जो है ले लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली, ओह माय गॉड गाइस, तो आप देख सकते हो देखो मकड़ी के जाले बंधे हुए हैं इसके अंदर, और मेंढक भी हैं। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है ना कि भैंसे एंड गायें दोनों क्या है ना कि पानी पीने के लिए बहुत आती है, तो बारिश की जो बारिश वाली वीडियो है ना वो भी आ जाएगी जल्दी, बट ये आप उससे पहले एक कुआं देखो, इसके अंदर कछुए मेंढक पाए जाते हैं। तो मैं क्या है ना कि आपको धीरे धीरे हर व्लॉग में देखो ताल छापर के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो बताता रहूँगा, तो क्या है ना कि आप व्लॉग है ना वो देख लेना अच्छे अच्छे से। अब क्या है ना कि कंटिन्यू करेंगे व्लॉग बनाने, तो अभी वो रहा हमारा कैमरा, तो हम इससे शूट कर लेते हैं, थोड़े टाइम लैप्स निकाल लेते हैं। तो बोरिया बिस्तर बांध के हम रेडी हो चुके हैं, और अब चलते हैं हम अपनी दूसरी लोकेशन पे। तो शूट करके मज़ा तो बहुत आ रहा है गाइस, बट धूप इतनी ज़्यादा है ना कि ये मज़ा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा, तो अभी यहाँ से चलते हैं। व्लॉगिंग करनी साथ में यार, कांटा चुभ गया रे, एक मिनट देखो
देखो देखो देखो मौज लोग आए, बस कांटे चुभ रहे हैं। खैर कोई नहीं, हम इन कांटों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी गोयरे पाई जाती हैं। तो गाइस आज क्या है ना कि एक भी हमारे सामने नहीं है यार, बट यहाँ पे एक जो नील गाय दिख रही है ना, नील गाय की जो है वो फोटोग्राफी करते हैं मस्त सी। तो हमारा जो क्या है ना कि हाल फिलहाल का शूट जो है ना वो कंप्लीट ही हो चुका है। बस क्या है ना कि नेचर की जो फोटोज़ होती है ना वो तो क्लिक हो चुकी है, बट वाइल्ड लाइफ वाली है ना इतनी नहीं हो पाई है। तो फिलहाल वही शूट करते हैं अभी, तो तब तक के लिए मैं कर लूँ। तो गाइज मुझे एक क्या है ना कि बेस्ट पेड़ की जो टहनी होती है ना वो मिली है, तो हाल फिलहाल में उसी की फ़ोटो लेने के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो वो ऊंचे से दिख रही है ना आपको, आधी मारवाड़ी आधी हिंदी वो वाली, तो चल के देखते हैं अभी। तो गाइस देखो कि हम शूट करने के लिए तो निकल चुके बिना सोचे एंड बिना समझे बिना, और खाने के लिए हमारे पास बस एक कुरकुरा है, आई मीन दो है बट एक ही बोलूँगा मैं, तो एक कुरकुरा है। वो क्या है ना कि अभी हम खा के जो है थोड़े बहुत एनर्जी आ जाएगी। तो गाइस शूट पे फुल मौज चल रही है अभी, आई मीन मौज, और बस शूट करने के यही तो फ़ायदे होते हैं। देखो गाइस बस खुद खाओ खुद शूट करो एंड दूसरा बंदा कोई नहीं होता। तो अभी क्या है ना कि थोड़े बहुत कुरकुरे पानी खा पी के फिर मिलते हैं आपको। तो ये रही हमारे पानी बोतल, खाते हैं पहले पानी पी लेते हैं। बनाने लग गए ना, तब तो 50 मिनट का कम लगता है वरना। तो गाइस कुरकुरे खा लो, क्या मजा आ रहा है। तो शूट करके गाइस अब जा रहे हैं, बस आज के लिए बस इतना ही।